अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, टमाटर का अचार, जो बहुत ही इजी और झटपट बन जाता है। ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने 1 kg से बढ़कर ये टमाटर ले लिए हैं, लाल टमाटर। इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो कट कर हम इसे फाइनली चॉप कर लेंगे, और इसके सीड्स जो है वो ज़्यादातर इसके सीड्स हम निकाल देंगे, क्योंकि हम ये ग्राइंडर में पीस नहीं रहे हैं, सिर्फ मैश कर रहे हैं, तो इसके हम सीड्स पहले ही निकाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे, चॉप कर का टमाटर। इसमें ऐड करने से क्या होगा, प्रेशर कुकर में जल्दी से ये गल जाएंगे। नमक ऐड कर लेंगे 1 teaspoon, और 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। ये देखें, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जल्दी भी होने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया था इसे। अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। ऑलरेडी हमारे जो टमाटर है सॉफ्ट हो गए हैं, सिर्फ हमें इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। तो हम यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये देखें, हम इसे मैशर की हेल्प से मैश करते रहेंगे, हम इसे ग्राइंड नहीं कर रहे हैं। इस तरह से मैश कर लें बस, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखें, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। ठीक है, पूरा ड्राई होना चाहिए ये। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 teaspoon। अचार में जो है लहसुन ही जाता है, अदरक नहीं जाता है, सिर्फ लहसुन का ये पेस्ट ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लें। हल्दी पाउडर 1/4 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon। लाल मिर्च और नमक इसमें ज़्यादा पड़ता है, तो हम और 1 teaspoon ऐड कर लेंगे। इसमें जो अचार होते हैं ज़रा स्पाइसी होते हैं, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे 1/1 teaspoon। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और नमक ऐड कर लेंगे 1 teaspoon। ऑलरेडी हमने नमक पहले भी ऐड किया था टमाटर गलाते समय, और 1 teaspoon हमने यहाँ पर ऐड किया है। टोटल 2 teaspoon ऐड किया है नमक और मिर्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे पूरा ड्राई होने देंगे। ये देखें, मिक्सचर जो है कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने पैन रख दिया छोटा सा, और इसमें तेल ऐड कर लेंगे 4 tablespoon। तेल गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करेंगे, ज़्यादा गरम ना करें। राई और ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon, और हम ऐड कर लेंगे गार्लिक के क्लोव्स 4 to 5। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद सूखे लाल मिर्च ऐड कर लेंगे 6 से 7, और कुछ कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेंगे इसमें, और इसे फ्राई होने देंगे 1 मिनट तक। ये देखें, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है, डार्क हो गया है ये। अब हम इसका तड़का लगा देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है अचार में, और अचार स्पाइसी होना चाहिए, तो ही वो हम स्टोर कर रख सकते हैं। ये देखें, झटपट से रेडी हो गया है हमारा टमाटर का अचार। आप इसे प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और या किसी भी करी के साथ सर्व कर सकते हैं एक साइड पर, या आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 months के लिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप रख सकते हैं। इस तरह से आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है। लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।